सेवन नंबर का सवाल है कि एक व्यक्ति क्या किया कि ट्रोजर और शर्ट स्कूल यूनिफॉर्म के लिए खरीदा, तो ट्रोजर जो खरीदा है वह 2x मीटर मान लेते हैं, लेट 2x मीटर ऑफ ट्रोजर मटेरियल एंड 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल, क्योंकि कहा है कि 30 मीटर जो है शर्ट का कपड़ा खरीदेगा तो वो 2 मीटर ट्रोजर का खरीदेगा, इसीलिए हम 2x और 3x मान लिए हैं। बाउट बाय हिम, उसके द्वारा खरीदा गया। अब सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट क्या होगा, शर्ट मटेरियल पर मीटर तो 50 तो है ही, और 50 में कितना परसेंट उसको चाहिए शर्ट मटेरियल में, तो उसको 10% चाहिए, 12% चाहिए, तो 12% 50 का निकाल लेंगे तो इस तरह से निकल जाएगा हमको 56 आ जाएगा। फिर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्रोजर मटेरियल पर मीटर, एक मीटर में कितना चाहिए, तो 90 प्लस 90 × 10 / 100, ये हमको इसका मटेरियल का निकल गया सेलिंग प्राइस एक मीटर का। ठीक है, ये शर्ट का भी एक मीटर का निकल गया और ट्रोजर का भी एक मीटर का निकल गया, तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। अब कह रहा है टोटल अमाउंट इतना सेल किया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टोटल हम कितना ट्रोजर खरीदे हैं, तो टोटल 2x में ये कितना एक मीटर का कपड़ा का लगता है, तो 99 रुपया, तो 99 × 2x। फिर शर्ट का कितना लगता है, 3x मीटर है और 56 रुपीज लगता है एक मीटर का, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, ये क्या है 3x जो है या इतना मीटर कपड़ा खरीदा गया, ये जो है 56 या एक मीटर का हो गया, मतलब बेचा जा रहा है इतना में, ये एक मीटर इतना में बेचा जा रहा है, लेकिन इतना मीटर कपड़ा है तो कितना होगा, तो इतना इंटू इतना टोटल हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग निकालेंगे तो हमको 366x इक्वल टू इतना आ जाता है, x इक्वल टू हमको 100 आ जाता है, x का वैल्यू निकल गया, टोटल ट्रोजर मटेरियल ही अबाउट 2x, यानी कि 2x उसको खरीदा है ट्रोजर मटेरियल, तो 2 × 100 = 200 मीटर आंसर।